दिल्ली और गाजियाबाद की सीमाएं फिर से सील होने जा रही हैं। गाजियाबाद के डीएम ने जहां पर बॉर्डर सील करने का आदेश दिया है। आदेश में कहा गया कि कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए गाजियाबाद और दिल्ली की सीमाएं सील की जाएंगी। दरअसल आपको बताया चले कि 21 अप्रैल को पहले आदेश जारी करते 22 अप्रैल को बॉर्डर सील कर दिया गया था। इसके दौरान ही गाजियाबाद में मिले अधिकतर कोरोना संक्रमित किसी ना किसी कारण से दिल्ली से संक्रमित हुए। इस बार जारी आदेश में भी कहा गया कि केंद्र सरकार उप सचिव उसके ऊपर अधिकारी अपना आई कार्ड दिखाकर जा सकते हैं, लेकिन थर्ड क्लास और फोर्थ क्लास के कर्मचारी अपने विभाग के सक्षम अधिकारी का पास लेकर बॉर्डर क्रॉस कर सकते थे। इसके अलावा आदेश में कहा गया था दिल्ली जाने वाले सरकारी कर्मचारी सुबह 9 बजे से बॉर्डर क्रॉस करने का शाम को 6 बजे के बाद ही आए हॉटस्पॉट एरिया में जाने पर पूर्ण रूप से पाबंदी रहेगी। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।